आज हम 1000 करोड़ की बिजली खरीदते हैं और उसके बावजूद चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे कॉमर्शियल हो, चाहे घरेलू हो, सबसे सस्ती बिजली उत्तराखंड दे रहा है। और उत्तराखंड की जनता, ये तो श्रीनगर है, 1904 का एटकिंसन का गजेटियर है, मैं उसको पढ़ रहा था, उसमें भुखमरी हुई थी। और इसी श्रीनगर गढ़वाल में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अन्न भंडारण लगाए थे और उसने लिखा है कि गढ़वालियों ने लेने से इनकार कर दिया कि हम फ्री का नहीं खाएंगे। आज कोई डिमांड स्टेट में नहीं है और इसलिए इस तरह का जो फ्री का जो वातावरण है वो ठीक नहीं है। देखिए, फ्री क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए और स्वास्थ्य होना चाहिए। इन तीन चीज़ों पर अगर हम फोकस करते हैं तो ज़्यादा उचित है। एक परिवार पर अगर साल भर में 10-5 हज़ार का लोड पड़ता है और राज्य का जो घाटा उसको हम कर सकते हैं और एक तरह घाटा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसलिए ये बातें हमको तो जमती नहीं है। और दिल्ली में क्या किया केजरीवाल जी ने, 11 रुपये कुछ पैसा यूनिट बिजली है, 8 रुपये जो दूसरा स्लैब है, 8 रुपये कुछ पैसे का स्लैब है और 100 यूनिट तक है। अब 100 यूनिट के बाद जो बिल आते हैं 101 यूनिट, 102 यूनिट, 103 यूनिट, प्राइवेट कंपनियों से मिलकर के, और खाली एक बाह्य एक परसेप्शन उन्होंने ढंग से क्रिएट करने की कोशिश की है कि जैसे वो फ्री का दे रहे हैं। सच्चाई ये नहीं है, बहुत कम लोग उस फ्री की बिजली का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। मेरे पास देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो हमारा पंडा समाज है वो मुझे मिला था, आज मुझे कल कोई कह रहा था कि कोई मिला ही नहीं, मिलने का मौका नहीं दिया उनको। मैंने गलत बात है भाई, कई बार मुझे मिले, धन सिंह जी को मिले, सतपाल महाराज को मिले, अन्य मिनिस्टर्स को मिले, सबको मिले हैं, सबको हमने हमेशा समय दिया है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, कहते हैं कि सोए हुए व्यक्ति को तो उठाया जा सकता है, जगाया जा सकता है, लेकिन किसी ने अगर सोने का ढोंग किया हुआ है तो आप कितने नगाड़े बजे उसको जगा नहीं सकते आप।